हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग अगेन फिर से स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम पार्ट टू के क्वेश्चन नंबर 31 को। ये है हमारे इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर से क्वेश्चन। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप उसमें से कोई भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग 31 में देख रहे थे क्या करना है। 31 में बोला है कि ए लिमिटेड इशू किया है 20,000 इक्विटी शेयर्स, जिसमें हर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ है। देना है ये 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के ऊपर, 3 अलॉटमेंट पर एंड 4 फाइनल कॉल पर। देन ये क्या हो गया कि जो पब्लिक था वो ओवर सब्सक्राइब्ड कर दिया है 15,000 शेयर्स के लिए। मतलब 20,000 शेयर्स तो कंपनी बोला था कि इशू किया था, लेकिन उस पर 15,000 और भी ज़्यादा कंपनी को मिल गया है। देन इसमें क्या करना है कि एप्लीकेंट जो 5,000 वाला एप्लीकेंट्स था उसको फुल दे देना है, जितने के लिए अप्लाई किया था उसको पूरा फुल दे देंगे। एंड जो एप्लीकेंट्स हमारा बच जाएगा उसको प्रोराटा बेसिस पर देना है। देन जो एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव्ड हुआ है एक्स्ट्रा, जो पब्लिक सब्सक्राइब कर दिया था, तो उसके मनी को हम लोग अलॉटमेंट पर आगे एडजस्ट कर देंगे, उसे वापस नहीं करेंगे। देन इसमें बोला कि सारा मनी रिसीव्ड हो गया एक्सेप्ट कॉल मनी 600 शेयर्स के ऊपर, तो इसकी हम लोगों को जनरल एंट्री पास करनी है। चलिए देख लेते हैं। चलिए इसमें जनरल एंट्री पास करते हैं। इसकी स्टार्टिंग की जनरल एंट्री हमारी सेम है, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमारा सेम था क्वेश्चन नंबर 30 से, सिर्फ जो हमारा कॉल्स इन एरियर्स है वो अलग है। तो चलिए स्टार्टिंग से पहले देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 20,000 तो पब्लिक दिया था सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स, एंड 15,000 और भी ज़्यादा हो गया था। तो अभी कंपनी पूरा 35,000 पर ही, एप्लीकेशन कंपनी से रिसीव्ड हुआ था तो 35,000 पर ही एंट्री करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1,05,000, 1,05,000। ये तो हमारा एप्लीकेशन का मनी मिल गया। देन इसको कैपिटल में डालेंगे तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड देन इसके इसमें जो एक्स्ट्रा मनी आया तो उसे हम लोगों को अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करना है, तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें मिल गया है हमें 1,05,000, पर कंपनी को चाहिए था इसमें सिर्फ 20,000 पर, तो 20,000 इंटू 3 60,000 रुपीज़ चाहिए था। एंड देन अलॉटमेंट पे इन हम लोग एडजस्ट करेंगे 15,000 पे 3 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 45,000। ये तो हो गया हमारे एप्लीकेशन का मनी। देन अलॉटमेंट का मनी देख लेते हैं, लिखेंगे सॉरी यहाँ पे होगा हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा 20,000 पर, क्योंकि पब्लिक अब 20,000 पर ही एक्सेप्ट करेगा। तो अलॉटमेंट के टाइम पर था हमारा 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो 3, ये हो जाएगा हमारा 60,000। देन इसको हम लोग बैंक में रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे 60,000 पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि 45,000 पहले ही मिल चुका था उसको। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 60,000 माइनस 45,000, ये हो जाएगा हमारा 15,000, क्योंकि पब्लिक 45,000 पहले ही दे चुका था, तो 15,000 देगा। देन उसके बाद फाइनल कॉल, तो लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन ये मांगेगा 20,000 के ऊपर 4 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 80,000 रुपीज़। देन उसके बाद अब ये बैंक में रिसीव्ड होगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन इसमें हमारा एक कॉल्स इन एरियर्स भी हो गया था, तो हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
ये हो जाएगा हमारा फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें 80,000 चाहिए था कंपनी को, पर इसमें क्या हुआ कि 600 शेयर्स वाला नहीं दे पाया 4 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें 600 शेयर्स वाला 4 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दे पाया, तो ये हो जाएगा हमारा 2400, तो ये हमारा बच जाएगा 77,600। इतना ही हम लोगों को एंट्री करना था क्वेश्चन नंबर 31 में। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 32। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि एक शगुन इंडियन लिमिटेड कंपनी है जो कि इशू किया है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स का, जिसमें हर एक शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपीज़ के हिसाब से। इस पर प्रीमियम है 2 रुपीज़ का। एप्लीकेशन के टाइम पर देना है 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पर देना है 5 रुपीज़, जिसमें प्रीमियम को इंक्लूड कर दिया है। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपीज़ देना है। देन इसमें बोला कि एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया है 60,000 शेयर्स के लिए, मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है। तो अलॉटमेंट जो है हम लोगों को करना है प्रो राटा बेसिस पर, और जो इसमें बोला है कि एप्लीकेंट जो 48,000 शेयर्स वाला था उसको प्रो राटा पर बेचना देना है, और 12,000 एप्लीकेशन वाले को रिफ्यूज़ कर देना है, मतलब उसके पैसे को वापस कर देना जो 12,000 शेयर्स का शेयर होल्डर था। और जो मनी ओवर पेड हो गया है एप्लीकेशन के टाइम पर वो हम लोगों को अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर लेना है। ए जो है एक 1600 शेयर्स का शेयर होल्डर है जिस जो कि फेल्ड हो गया पे करने में अलॉटमेंट मनी, एंड बी भी है दूसरा शेयर होल्डर जो कि 2000 शेयर्स का शेयर होल्डर है वो फेल्ड हो गया देने में सेकेंड कॉल नहीं, इसमें 2 कॉल्स लिख रहा है, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कॉल ये देने में फेल हो गया है। तो ये दोनों हमारा कॉल्स इन एरियर्स हो गया है, एंड देन इनके शेयर्स को हम लोगों को फॉरफिट करना है सेकेंड कॉल के बाद, एंड देन इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो चलिए देख लेते कैसे होगा। चलिए तो इसमें एंट्री कर लेते। सबसे पहले तो हम लोग एप्लीकेशन का मनी रिसीव करेंगे, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हमारा जो ओवर सब्सक्राइब वैल्यू था सब्सक्रिप्शन का उस पर एंट्री होगा, तो ये हमारा 60,000 था, तो हम लोग 60,000 पर इसको एंट्री करेंगे। तो लिखेंगे 60,000 इंटू एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपीज़ के हिसाब से देना था, ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 रुपीज़। 1,20,000 रुपीज़। इसके बाद हम लोग बैंक इसको शेयर कैपिटल में डालेंगे, तो लिखेंगे बैंक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, देन उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। देन इसमें बोला था कि 12,000 शेयर होल्डर वाले को उसके पैसे को रिफ्यूज़ कर देना है, मतलब उसे वापस कर देना है, तो बैंक से हम लोग देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट, एंड देन जो बचा है उसे हम लोगों को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना है, तो लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सबसे पहले एप्लीकेशन पर मिला है हम लोग को 1,20,000, इतना मिल गया। देन हम लोगों को इसमें बोला कि कंपनी को चाहिए कितना था, कंपनी को तो सिर्फ इसमें चाहिए था 40,000 के ऊपर, क्योंकि 40,000 ही वो इशू किया था इनटू 2, ये हो जाएगा हमारा 80,000। देन उसके बाद बैंक में से रिफ्यूज़ करने बोला था 12,000 के ऊपर 12,000 वाले शेयर्स को, तो ये हो जाएगा हमारा 24,000। देन हमारा अलॉटमेंट में बच जाएगा 8,000, तो हम लोग यहाँ पे 8,000 को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे 2 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 16,000। यहाँ पे 40,000 तो चाहिए था कंपनी को अपना जो कि इशू किया था, देन उसमें जो एक्स्ट्रा हमें मिला था 20,000, उसमें से 12,000 वाले को रिफ्यूज़ कर देना था एंड 8,000 वाले को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना था। तो ये हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे कि अलॉटमेंट पर कितना मिलेगा, तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, देन हो जाएगा हमारा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, देन इसमें हमारा प्रीमियम भी था, तो लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर चाहिए था 40,000 के ऊपर,
ये हो जाएगा हमारा 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो गया हमारा 2 लाख रुपीज़। पर कंपनी को सिर्फ 40,000 के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से चाहिए था, तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। एंड ये हो जाएगा हमारा 40,000 के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 रुपीज़। ये हो गया हमारे शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट मनी। देन इसको हम लोग बैंक में रिसीव करेंगे, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन इसमें हमारा एक कॉल्स इन एरियर्स भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा एक शेयर होल्डर था जो कि पैसा नहीं दे पाया था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें जो है हमारा ये निकालने के लिए कॉल सिनेरियोस और बैंक अकाउंट के अमाउंट को, इसको निकालने के लिए हम लोगों को एक वर्किंग नोट देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले वो देख लेते कैसे बनेगा। चलिए तो इसमें हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं, तो लिखेंगे वर्किंग नोट। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एप्लीकेशन कितने के लिए आया था और अलॉट कितना कर सकता था कंपनी, तो हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन अलॉटेड। ठीक है, एप्लीकेशन हमारे पास आया था 60,000 के लिए, पर कंपनी से 40,000 ही अलॉट कर सकता था। ठीक है, इसमें से बोला कि 48,000 वाले को पूरा 40 अलॉटमेंट दे देना है, मतलब कि इसमें जो 48,000 वाला एप्लीकेट ये शेयर होल्डर था उसको सिर्फ 40,000 ही मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं कितना बचेगा। ये हमारा बच जाएगा 12,000। मतलब कि 12,000 वाले को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 12,000 वाले के कुछ भी नहीं बचा, तो इस 12,000 वाले को हम लोग इसमें हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। देन ये 40,000, इसका हम लोग अगर रेशियो निकालते हैं तो 48,000:40,000 ये आता है हमारा 5, ये आ जाएगा हमारा 6:5। इसका मतलब है कि जो 6 शेयर के लिए अलॉट किया था शेयर होल्डर, उसको सिर्फ 5 ही शेयर मिलेगा। मतलब वो 6 शेयर का पैसा दिया था, लेकिन उसको सिर्फ 5 ही शेयर का शेयर हम लोग देंगे। तो इसमें हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ए जो था जो नहीं दे पाया था अलॉटमेंट का मनी, वो कितना अप्लाई किया था, कितने के लिए, क्योंकि उसका तो अलॉटेड दिया है हमें यहाँ पे वैल्यू। तो लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए, ये अप्लाई कितने के लिए किया था, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6 अप्लाई किया इसमें, हाँ अप्लाई किया था 6 के लिए, लेकिन मिला इसको 5 into, और ये कॉल्स इन एरियर्स इसका कितना था 600 का, मतलब दे नहीं पाया था ये 600 पे पैसा, तो ये हो जाएगा हमारा 1,920 शेयर्स। अब इसमें देखेंगे कि ए अप्लाई किया था 1,920 शेयर्स के लिए, पर इसमें हम लोग सिर्फ अलॉट इसको 1,600 शेयर्स किए थे, तो 1,920 के ऊपर ए एप्लीकेशन मनी भी दिया होगा, तो हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,920। तो ये हो जाएगा हमारा 1,920 को इंटू करेंगे 2 से, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से दे रहा था, तो ये हो जाएगा 3,840 रुपीज़। इतना दे चुका है ए, लेकिन इसमें से हम लोगों ने अलॉट तो सिर्फ उसको 1,600 किया है, मतलब कि ए का कुछ पैसा हम लोगों के पास निकलता होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन मनी गिवन, मतलब हम लोग दे रहे हैं गिवन ऑन 1,600 शेयर्स, मतलब 1,600 शेयर्स के ऊपर ये हम लोग सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3,200। ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 640, मतलब 640 जो ए का एक्सेस आ रहा है ये हमारे पास लाइबिलिटी है, मतलब कि 640 ए का एक्सेस है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस लिख लेंगे। इस एक्सेस को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि 1600 के ऊपर वो जो नहीं दे पाया है उसमें से 640 तो उसका पहले से था, और जो बचेगा वो हमारा कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अलॉटमेंट पर कितना इसको कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है, जिसमें से हम लोग 640 को माइनस कर देंगे, तो अलॉटमेंट मनी ऑन
1600 शेयर्स। अब हम लोग उससे अलॉटमेंट का मनी मांगेंगे जो कि 1600 शेयर्स पर उसको देना था, तो ये हो जाता हमारा 1600 इंटू अलॉटमेंट का 5 रुपीज़ के हिसाब से था 8000। मतलब कि कॉल्स इन एरियर्स अगर ऐसे देखें हम लोग तो ए का 8000 होता है, लेकिन इस 8000 में से वो 640 पहले ही एक्सेस दे चुके एप्लीकेशन के टाइम में, तो इस एक्सेस को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, एक्सेस को हम लोग माइनस कर देंगे 640, देन ये हमारा बच जाएगा 7360। अब यही हमारा कॉल्स इन एरियर्स का मेन वैल्यू है, इसी को हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट में। अब जो हम लोगों ने निकाला था वैल्यू उसे लिख लेंगे, तो कॉल्स इन एरियर्स का वैल्यू आया था हमारा 7360 रुपीज़, देन बैंक में हमें रिसीव्ड होगा 1,76,640। ये हो जाएगा हमारा 1,84,000। ये तो हो गया हमारे अलॉटमेंट का बाद, देन उसके बाद फाइनल कॉल मांगेगा कंपनी, फर्स्ट कॉल मांगेगा, तो हम लोग लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड एंड देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर ये मांगेगा 20,000 के हिसाब से, सॉरी ये 40,000 था इसका शेयर्स, इनटू फर्स्ट कॉल पर देना था 2 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 80,000 रुपीज़ एंड देन 80,000, देन बैंक में रिसीव करेगा इसको। अब इसमें हम लोग बैंक में रिसीव्ड होगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, देन अगेन इसमें कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा तो लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा था ये, देन इसमें हो जाएगा सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स हम लोग देखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स में हमारा 2 हो जाएगा, सबसे पहले तो 1600 शेयर वाला शेयर होल्डर जो था वो नहीं दे पाया है फर्स्ट कॉल, उस जो 1600 वाला अलॉटेड नहीं दिया था, तो उसके बाद उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं मांगा गया, तो 1600 वाला नहीं दे पाएगा 2 रुपीज़ के हिसाब से, प्लस देन इसके बाद 2000 वाला शेयर होल्डर है जो कि वो भी नहीं दे पाया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2000 इंटू 2, देन इसको हम लोग अब टोटल कर लेंगे तो 1600 इंटू 2 ये हो जाएगा 3200 एंड 4000, तो ये हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 7200। देन यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 72,800, देन ये हो जाएगा हमारा 80,000, क्योंकि हम लोगों को 80,000 रुपीज़ चाहिए था। सेकेंड कॉल का देख लेते हैं, तो लिखेंगे शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर मांगेगा कंपनी 40,000 पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपीज़ एंड देन उसके बाद बैंक में रिसीव्ड हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, देन अगेन इसमें कॉल्स इन एरियर्स होगा क्योंकि सेकेंड जो शेयर होल्डर था वो नहीं दे पाया था, तो लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, इसमें हो जाएगा हमारा सेकेंड कॉल अकाउंट। इस कॉल्स इन एरियर्स में फिर से हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारा 1600 वाला नहीं दे पाएगा 3 रुपीज़ के हिसाब से, प्लस 2000 वाला नहीं दे पाएगा 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 4800 प्लस 6000, ये हो गया हमारा सेकेंड कॉल पर 10,800। देन हमारा बैंक अकाउंट में बच जाएगा 1,09,200, चाहिए था हमें 1,20,000 रुपीज़,
ये तो हो गया हमारे दोनों कॉल का अकाउंट। देने उसके बाद इनके शेयर्स को फॉरफिट कर देना है, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। डेबिटेड देन उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का भी नहीं दे पाया था, रिजर्व अकाउंट 1600 शेयर्स वाला। देन उसके बाद हो जाएगा हमारा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे पहले अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था, देन उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देन उसके बाद सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मिला था, तो हम लोग लिखेंगे टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। देन उसके बाद इनके शेयर को हम लोग फॉरफिट कर देंगे, तो लिखेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में टोटल मांगा कितना था कंपनी इन लोगों से। तो यहाँ पर हमारा टोटल पहले हमारा कॉल्स इन एरियर्स वाला, मतलब कि जो शेयर होल्डर शेयर्स नहीं दे पाया था, पहला वाला 1600 वाला एंड देन 2000 वाला नहीं दे पाया था, इनटू करेंगे इसमें ये हमारा इतना टोटल शेयर्स था, इनटू करेंगे ये 10 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दे पाया था, तो ये हो जाएगा हमारा 36000। मतलब टोटल हमारा शेयर्स के ऊपर जो पैसा नहीं मिला है वो 3600 शेयर्स है। देन इसमें जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, इसमें सिर्फ 1600 वाला शेयर होल्डर जो था वो नहीं दे पाया था पैसा, तो हम लोग लिखेंगे 1600 इंटू टू, ये हो जाएगा हमारा 3200। देन हमारे अलॉटमेंट के टाइम पे हमारा कितना नहीं मिला था हमें, 7360 हुआ था। देन फर्स्ट कॉल पर हमारा हुआ था 7200, देन सेकेंड कॉल पे हुआ था हमारा 10800 का लॉस। एंड देन फॉर फीचर देखेंगे, फॉर फीचर मतलब कि दोनों मिल करके कितना दिया है अभी तक, तो 3 रुपीज़। मतलब अलॉटमेंट का सबसे पहले तो पैसा दे दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 3800। सॉरी, ये सबसे पहले तो 2 रुपीज़ के हिसाब से दे चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा 3200। ये 1600 वाला 3200 पहले दे दिया, प्लस ये 640 जो एक्स्ट्रा दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे वो भी दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 40 एंड देन 3840 टोटल 1600 शेयर्स वाला दिया है। उसके बाद 2000 वाला कितना दिया है, तो 2000 वाला अभी तक दे चुका है अलॉटमेंट का पैसा एंड एप्लीकेशन का पैसा, तो उसका टोटल 5 रुपीज़ होता है, तो ये हो जाता है हमारा 10000 रुपीज़। अब इस 3840 एंड 10000 को हम लोग टोटल कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का पैसा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13840। ये हो गया हमारा शेयर फॉर, मतलब इतना टोटल दोनों शेयर होल्डर दे चुका है पैसा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को मेरे सॉल्यूशन में कोई भी डाउट्स होता है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में करके ज़रूर पूछिए और मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।